चार चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तब धर्म होता है। अब ऐसा नहीं कहो कि कर आई टूटी धरी हो सको बैठो तो बैठ ले यार, तो बैठ जाए। धर्म के साथ में चार चीजों का आवरण है। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि हम तो विदेश में आ गए, भैया कथा कैसे करें, नहीं तो नियम बिगड़ रहा है। और जब हनुमान जी पेड़ पर बैठे हैं अशोक के वृक्ष पे, सोचा हनुमान जी ने कुछ भी हो हम तो यही कथा शुरू करते हैं। उसी वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बड़ी दुखी हो रही, सोचा कुछ भी हो कथा यही शुरू कर रहे हैं। और जैसी कथा शुरू की उससे हुआ क्या देखिए। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर चंद्र गुण बरने लागा, सुन कही सीता कर दुख भागा। क्या हुआ हनुमान जी महाराज ने कथा की, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुन कही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सीता करे दुख भागा। रामचंद्र गुणों पर लागा, जय हो सुनते ही सीता करे। रामचंद्र गुण पर लागा, सुनते ही सीता करे दुख भागा। जब माता जानकी जी का दुख भाग गया, कष्ट दूर हो गया, तो हम और आपका क्या होगा। ये कष्टों को दूर करने वाली है कथा, दुख दूर करने वाली है। भाई जैसे कोई अगर परेशानी है, किसी का सिर दर्द है, तो दवा मिल जाएगी, लेकिन दुख की दवा मिलेगी क्या। अगर कोई दुखी है तो दुख की दवा ही भगवान की कथा है। बंदे कथा सुनने से दुख नष्ट होता है, इसके अलावा दुख की कोई दवा बनी नहीं है। दुख की दर्द की दवा तो है, लेकिन दुख की दवा नहीं। इसलिए अगर संसार के कष्ट, संसार का दुख, संसार का क्लेश दूर भगाना है, तो आप विचार कर लीजिए कि हम कथा ही सुनेंगे।